मित्र नमस्कार। पाइप फिटर ट्रेनिंग के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व में क्या अंतर होता है और इसको देखने मात्र से ही कैसे हम पता कर सकते हैं कि गेट वाल्व ओपन है या क्लोज है, ग्लोब वाल्व ओपन है या क्लोज है। मित्र, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसा कि आप ये दोनों वाल्व देख रहे हैं, यहाँ पर एक गेट वाल्व है और एक ग्लोब वाल्व है। तो कैसे पता करेंगे यदि यह गेट वाल्व ओपन है या क्लोज है, ग्लोब वाल्व ओपन है या क्लोज है, ये कैसे हम पता करेंगे? सिर्फ एक नज़र में देखने मात्र से ही कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन इसमें गेट वाल्व है, कौन इसमें ग्लोब वाल्व है, कौन सा वाल्व ओपन है या कौन सा वाल्व क्लोज है। तो आइए हम सीधा वाल्व की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो वाल्व देख रहे हैं, ये वाला वाल्व और ये वाला वाल्व, ये दोनों में देखने में तो सेम लगता है, स्ट्रक्चर इसका सेम लगता है, थोड़ा सा अंतर के साथ में यहाँ पर है। लेकिन यदि स्मॉल बोर में जाएंगे, जैसे 3/4 इंच में जाएंगे, तो वहाँ पर गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व मैक्सिमम सेम ही दिखाई देता है, लेकिन उसके फंक्शन में, उसके कार्यविधि में अंतर होता है। तो आइए यहाँ पर हम मोटा मोटी देखते हैं दोनों वाल्व में क्या अंतर है। जैसे कि ये है अपना ग्लोब वाल्व, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, यह गेट वाल्व के स्ट्रक्चर से अंतर होता है। यह जो अंडाकार दिखाई दे रहा है, यह गेट वाल्व में नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, ये जो गेट वाल्व का है तो इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके का है, लेकिन वहीं पे ग्लोब वाल्व में यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर अंडाकार है। अब हम बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की। जैसे ये जो गेट वाल्व है, यह किधर भी लगाया जा सकता है, यानी कि ये सिरा इधर हो सकता है और ये सिरा इधर हो सकता है, क्योंकि ये सीधा सीधा आइसोलेशन का काम करता है। लेकिन ग्लोब वाल्व जो है, यह रेगुलेशन का काम करता है। इसमें एक एरो दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं, तो यह फ्लो की दिशा में ही एरो रहेगा। यदि अपना फ्लूइड की सप्लाई, मान लीजिए अगर ये पानी का लाइन है, अगर इसका सप्लाई इधर से इधर हो रहा है तो एरो हमारा इधर होगा, लेकिन गेट वाल्व में ऐसा नहीं है। ये गेट वाल्व सीधा सीधा आइसोलेशन का काम करता है, जबकि ग्लोब वाल्व सीधा सीधा रेगुलेशन का काम करता है। यह प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग करता है, लेकिन यह कंट्रोलिंग ना करके सीधा सीधा उसको आइसोलेट कर देता है। अब हम जानते हैं कि कैसे देख करके यह जाने कि कौन सा वाल्व ओपन है या क्लोज है। देखें, जैसे कि ये गेट वाल्व में आप देख रहे हैं, तो गेट वाल्व में जब ये व्हील को घुमाएंगे तो ये बाहर निकलता है, ये जो स्पिंडल है, जो थ्रेडेड राड है, ये बाहर निकलता है। तो यह पता होता है कि यह गेट वाल्व जो है ओपन हो रहा है या ओपन है। यदि यह थ्रेडेड राड अंदर की तरफ हो तो यह बंद रहता है, जिससे यह देख करके पता लगाया जा सकता है कि यह गेट वाल्व ओपन है या क्लोज है। जबकि ग्लोब वाल्व में, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्पिंडल बाहर नहीं निकलता है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये वाला सिरा जो है ये बाहर खुलता है, और जब क्लोज करते हैं तो यही सिरा राड लिए हुए ये अंदर की तरफ हो जाता है। इससे पता होता है कि हमारा ग्लोब वाल्व बंद है या खुला है। ग्लोब वाल्व में एरो होता है, जबकि गेट वाल्व में कोई भी एरो नहीं होता है। तो आज हमने जाना कि गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व में मुख्य अंतर क्या होता है। मित्रों, यदि यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।